नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राज और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। JBKSS के झारखंड नव निर्माण एवं न्याय अधिकार मार्च का शुभारंभ रविवार को धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उली हाथू अड़की से किया गया। इसकी शुरुआत JBKSS केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा एवं वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने धरती आबा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। यहां न्याय मार्च सड़क मार्ग से अड़ंकी तमाड़ बुंडू होते हुए लौटा सिल्ली में समाप्त हुई। इस मौके पर जगह जगह टाइगर जयराम महतो ने आम लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में जयराम महतो ने कहा, 24 साल के झारखंड को राजनेताओं ने लूट खंड बना दिया है। इस परिपाटी को बदलने के लिए युवा कमर कस चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है। इस बार राज्य में युवाओं की सरकार बनेगी, तभी राज्य के लोगों को भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। शिक्षित बेरोजगार नव युवकों के हाथों काम, झारखंड का निर्माण सिर्फ कागजी तौर पर हुआ है। धरातलीय दशा एकीकृत बिहार से भी बदतर स्थिति हो गई है। झारखंडी को आज तक अपनी पहचान नहीं मिल पाई, इसीलिए हमें झारखंड नव निर्माण की आवश्यकता पड़ी। देखिए, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है 24 वर्ष होने को है, लेकिन आज भी जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में जाके देखें, तो हमें लगता है कि झारखंडी में शायद न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। अगर न्याय मिला भी है झारखंडियों को, तो संपन्न लोग हैं जब तक न्याय पहुँचा। आज भी गाँव में जैसे अभी हम अड़की से गुजर रहे हैं, तो खेत खलिहानों में काफ़ी दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी मूलवासी लोग निवास करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि न्याय वहाँ तक पहुँच पाया है, चाहे वो न्याय सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी स्तर का न्याय। इसलिए हमें लगता है 24 सालों के बाद इस झारखंड में पुनः एक गुलाम के माध्यम से हम लोग राजनीति में स्थापित होने जा रहे हैं। तो कम से कम जिन मुद्दों के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक बार पुनः संघर्ष और प्रयास किया जाए। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो आवेदन लेने का काम किया था, 70 सीटों पर आवेदन मिला है। उन सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और बाकी फिर देखा जाएगा। क्या लगता है, झारखंड फतह कर पाएंगे? देखिए, जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो वह यही उम्मीद के साथ चुनाव लड़ता है कि हम लोग फतह करेंगे। अंतर निर्णय तो जनता के हाथ में है, जनता के मत से चुनकर नेतृत्वकर्ता आगे आएंगे, तो जनता का मत सर्वोपरि है। जनता का जैसा मन रहेगा वैसा ही जनता का मत रहेगा। जनता का मन और मत उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जीते कैसे। किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, किसी प्रकार का हमारे राजनीतिक दल का कोई गठबंधन नहीं होगा। हम लोग चुनाव से पहले झारखंड सरकार बहुत सारी लाभ दे रही है जनता को, क्या लाभ दे रही है, लेकिन तथ्यों को समझना होगा। जैसे अभी वो पास सिपाही की दौड़ लेकर आई है, 12 बच्चे शायद डेथ कर चुके हैं, तो केवल आप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप किस समय दौड़ लेके आए। हम लोग गाँव घर के लोग आज भी कहते हैं कि जो भादर महीना की गर्मी होती है, ये जेठ की भी गर्मी से बहुत हार्ड होती है। तो देखिए, 12 बच्चे, हमें नहीं लगता कि इससे पहले आपने कभी दौड़ में सुना होगा कि दौड़ने के समय 12 बच्चे मर गए। ये तो पहली बार हो रहा है। तो आप केवल अपने चुनाव को भुनाने के लिए अगर इस प्रकार से लोगों को संकट में ला के खड़ा कर देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे झारखंड का मुखिया हटाओ मैच पर क्या करना चाहिए? जी हाँ, मुझे भी लगता है कि जो मुखिया जिला परिषद पंचायत समिति का पद है, केवल नाम मात्र का पद है। तो लोग इस बात को आश्वस्त करते हैं, हम लोग अगर राजनीति में आते हैं तो उन पर उनके लिए बेहतर सुविधाएँ, योजनाएँ, उनका एक अधिकार क्षेत्र ये तय किया जाएगा। मेरे भी हिसाब से माना जाए तो कहीं ना कहीं ये केवल एक रबड़ के स्टाम्प की तरह मुखिया और सरपंच और जिला परिषद बन के रह गए, उनकी कोई उपयोगिता रही ही नहीं। ठीक है, थैंक यू दादा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।